तू मेरे चलो फिर किधर से लगा रखी है मेरे घर का मैंने लगाया है ये भी और किसने लगाया मैंने किसी को भी नहीं लगाया नहीं लगाया तो कर लो कार्यक्रम करो कार्यक्रम मत करने दो कार्यक्रम नहीं करने दो तो तुम्हारे गांव का प्रोग्राम मत करने दो गांव का कैसे नहीं है बच्चों का प्रोग्राम है बच्चों की देवी तो सरस्वती है बच्चों की देवी तो सरस्वती देवी सरस्वती है समझ लो सर सुबह भी आएगी क्या होती थी क्या इनको लगा था माफी हो जाओ यहां से वहां चलो परसों की मना थोड़ी है मंच मंच पे मैंने क्या जाने क्या पढ़ गए मास्टर बन गए आप जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो नहीं देखें प्रोग्राम बंद होगा यहां कुछ भी नहीं होगा नहीं पूजा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा नहीं करूंगी पूजा नहीं करूंगी पूजा करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे ये यहां दादागिरी चलिए दादागिरी है बुला लो पत्रकार को बुला लो पत्रकार को बुला लो ये मेरे ऊपर दादागिरी है क्या बुला लो हां सरस्वती की पूजा करो कोई दिक्कत नहीं करो फिर बुला लो हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें हिंदू क्या है यहाँ पे पहले अरे सरस्वती विद्या की मूर्ति आप कह रहे हो सरस्वती क्या ये हिंदू का स्कूल है क्या हिंदू का स्कूल है क्या आप बता रहे हो हिंदू को नहीं जानते हिंदू रीति रिवाज को नहीं जानते विद्या की देवी सरस्वती भाई फूले है सरस्वती का लगाओ ना फिर सावित्री बाई फुले है विद्या की देवी उनको मैंने बगाया है मात्र यहाँ स्कूल में एक ही टीचर है और बाकी के सब टीचर क्या और कहाँ है बाकी कहाँ है बाकी के टीचर बताओ ना मैं बताओ ना कहाँ है कैसे लिए बाकी आप के अलावा टीचर कहाँ है बाकी के यहाँ कहाँ गए टीचर बताओ तो सही कहाँ है टीचर यही टीचर कहाँ है बताओ ना किस बात की प्रॉब्लम थी जो वो यहाँ से गए हाँ सभी आते नहीं किस बात की प्रॉब्लम है जो यहाँ से गए आप तो प्रॉब्लम बताओ बाकी के टीचर कहाँ है विद्यालय परिवार के यहाँ आके खड़े हो जाए तो कहाँ गए किस वजह से गए बाकी के टीचर यहाँ से क्यों गए तो बताओ ना तो आप ही तो यही हो तो आप ही तो यही हो क्या बता किस कारण की वजह से गए तो फिर यही होना चाहिए ना 26 जनवरी हम मना रहे हैं 26 जनवरी मना रहे हैं तो फिर तो बाकी का स्टाफ तो बताओ तो हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे आपकी बात है किसने उसको काम नहीं पूछते किस स्कूल में नहीं लगाते मूर्ति उसको लगाओ ना आप बात तो बैठे उससे दिक्कत क्या है आपको नेता की रीत नहीं कर रहे हो आप एक तस्वीर के मित्र तो कैसा मतलब तो आएगा लेकिन बड़ा समझ राव जी आज रखे फिल्म विद्या की देवी है तो प्रसाद स्कूल में समझा अगर सरस्वती की मूर्ति दो जब भीमराव अम्बेडकर जी की और महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाई इसके अलावा क्या नाम से सरस्वती जी है उनकी इन्होंने क्या नाम से वो नहीं लगाई और पूजा अर्चना नहीं की उसकी सरस्वती की नहीं लगा रखी आओ आप यही आओ यहाँ आओ आप तो सर ये गांव वाले जो फोकट में दबाव बना रहे मेरे ऊपर यहाँ आके सर आप बताओ ना सर मैंने सावित्री बाई फुले की रख रखी है सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है
शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे राधा जी, किसे राधा जी, गांव में विरोध हो रहे हो ना भाई? तेरे पास क्या बात है? तेरे पास क्या है? गांव में से तेरे यार सब बीच में के था, लगाओ ना फिर मूर्ति लगाओ, लगा लगा सरस्वती हर स्कूल में मिलेगी आपको, मूर्तियाँ लगी हुई है वहाँ, वो मतलब बुला दो यहाँ ने, मतलब यहाँ ने बताओ जो सर कोई बात नहीं, चालू करो रही है भाई, यहाँ पे मिला दो ना मनमानी सुन जाते यार। आप क्या आगे फोकट में हंगामा खड़ा कर रहे हो बिना काम? हंगामा नहीं कर रहे, हंगामा तो आपने कर रहे हो। सिखा देंगे तो पॉकेट में दबाव बना रहे हो मेरे ऊपर। अरे ये सारा सारा यहाँ अलमार ऊपर अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेडू जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते, ये तो एक काम में माहिर है। ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकती हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।